भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। रहता सिंह का ना अब कैसे छूटे नाम नाम रट लाके, किसके लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण के लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। अरे उसका मानसिक जप करना, समझे समझे, वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलो मीटर में फैलेगा उसका होता है एक शब्द, क्लीन शब्द, कह आधा लय में मिलावा बड़ी एक ही मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा, गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो या स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो, कभी मन ही मन बोल के देखो, अंग बोलते या स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया, अब वो लय नहीं बनते क्लिंग एक में। तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्री लगनी चाहिए, क्रह नहीं क्री, एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण राधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है, जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया गुरुदेव की लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से आज जिस अध्याय को हम पढ़ रहे हैं उसका शीर्षक है, संसार के लोग अध्यात्म से निराश और विमुख क्यों? संसार के लोग अध्यात्म से निराश और विमुख क्यों? पूज्य गुरुदेव ने यह लेख 26 मार्च 1988 को लिखा था। जय गुरुदेव। गुरुदेव लिखते हैं, हम देख रहे हैं हर धर्म में ईश्वर के प्रति निराशा और विमुखता इस समय चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। संसार के सभी धर्मों के लोगों ने एक प्रकार से धर्म गुरुओं से विद्रोह कर दिया है। भौतिक दृष्टिकोण से विचार करें तो हम पाएंगे कि इसमें वे लोग दोषी नहीं है जिनका विश्वास धर्म से उठ गया है। युग के गुणधर्म के कारण संसार के सभी धर्मों के धर्माचार्य अपनी आध्यात्मिक शक्ति खो बैठे हैं, वे स्वयं चेतन नहीं है। उनका स्वयं का संबंध उस परम सत्ता से पूर्ण रूप से छूट चुका है। अपनी इस कमजोरी को छिपाने के लिए इन्हें तरह तरह के स्वांग रचने पड़ रहे हैं। कई प्रकार के प्रदर्शनों, शब्द जाल और तर्कशास्त्र का सहारा लेना पड़ रहा है। जिस प्रकार निर्जीव प्राणी अपना कुछ भी प्रभाव नहीं दिखा सकता है, ठीक उसी प्रकार इस युग के धर्म गुरुओं के सभी निर्जीव कर्मकांड परिणाम रहित होने के कारण संसार के लोगों में उस परम सत्ता के प्रति निराशा फैला रहे हैं। इससे तो अगर वे अपनी कमजोरी को खुले रूप में स्वीकार कर लें तो संसार के लोगों को इस निराशा से बचाया जा सकता है, परंतु जितना वे अपनी कमजोरी को छिपाकर झूठ के सहारे अपने धंधे को चलाने का प्रयास और हठधर्मिता करते हैं, विद्रोह निरंतर तेज होता जा रहा है। इस प्रकार आज सभी धर्मों में स्थिति भयंकर विस्फोटक हो गई है।
दूसरी तरफ भौतिक विज्ञान अपनी सच्चाई के कारण संसार के लोगों को अपनी तरफ अधिक आकर्षित कर रहा है। झूठ के पैर नहीं होते, यह कहावत इस समय संसार के सभी धर्मों पर लागू हो रही है। अध्यात्मवाद पूर्ण रूप से परिणाम रहित हो चुका है। ऐसी स्थिति में जब मानव को प्रार्थना का कोई प्रत्यक्ष उत्तर नहीं मिलता है तो उसका विश्वास खत्म हो जाता है। गुरु ईश्वर और जीव को जोड़ने वाला तार होता है। अगर तार कटाफटा नहीं है और वह उस परम सत्ता से जुड़ा हुआ है तो जो भी प्राणी उससे जुड़ेगा उसके अंदर उस परम सत्ता का प्रकाश हुए बिना नहीं रह सकता। एक बार प्रकाश हुआ कि जीव चेतन हो जाता है। इस प्रकार एक जलता हुआ दीपक असंख्य दीप प्रज्वलित करके संसार से अंधकार दूर कर सकता है। सभी धर्मगुरु कहते हैं कि ईश्वर घट घट का वासी है। इस प्रकार संसार के सभी दीपकों में तेल और बाती है, उसे मात्र प्रज्वलित करने की देर है। सारा संसार उस परम सत्ता के प्रकाश से जगमगा उठेगा। पहला दीपक ही जलना कठिन है। एक प्रज्वलित दीपक पूरे संसार के दीपकों को प्रज्वलित करके संसार के अंधकार को भगाने में सक्षम होता है। अतः एक ही चेतन संत सद्गुरु पूरे संसार के जीवों को चेतन कर सकता है। संत सद्गुरु का संबंध उस परम सत्ता से सीधा जुड़ा हुआ होता है। अतः उससे जुड़ने वाले सभी जीवों में उस परम सत्ता का प्रकाश प्रज्वलित हो जाएगा। ऐसे संत से जुड़ने पर अगर जीव अपने पापों को अंगीकार करके उन्हें त्यागने की ईश्वर से करुण प्रार्थना करे तो तत्काल चमत्कार होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर से अंधकार यानी तामसिक वृत्तियां तत्काल हमेशा हमेशा के लिए विदा होकर उनका स्थान सात्विक वृत्तियां ले लेंगी। इस प्रकार एक ही चेतन संत सद्गुरु से चेतन जीव से जुड़ने वाले सभी जीव इस प्रकार एक ही चेतन संत एक ही चेतन संत सद्गुरु से चेतन जीव से जुड़ने वाले सभी जीव चेतन होते ही चले जाएंगे। जब यह क्रम वह परम सत्ता चला देती है तो पूरे संसार में उस प्रकाश के फैलने में कोई देर नहीं लगती। इस प्रकार से चेतन हुए सभी प्राणियों को प्रार्थना का प्रत्यक्ष जवाब मिलेगा और उनका मन उस परमानंद से सरोवर हो जाएगा। जब यह आनंद एक प्राणी में प्रकट हो जाता है तो पूरे संसार के प्राणियों में प्रकट होने में कोई समय नहीं लगता। संसार में युग परिवर्तन अनंत काल से चला आ रहा है। यह कालचक्र न कभी रुका है और न रुकेगा। जिस प्रकार रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती ही है, उसी क्रम से युग परिवर्तन भी उस परम सत्ता द्वारा निर्धारित समय पर होगा ही। कोई भी जीव प्राप्त शक्ति और अधिकार को स्वेच्छा से छोड़ना नहीं चाहता है। इसी प्रकार तामसिक वृत्तियां भी अपनी स्थिति संसार में बनाए रखने के लिए संघर्ष करती हैं, परंतु परिवर्तन आज तक कभी नहीं रुका। तारे कभी नहीं चाहते कि सूर्योदय हो और उनकी सत्ता उनके यथास्थिति बने रहने पर भी समाप्त हो जाए, परंतु फिर भी सूर्योदय होकर ही रहता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। बबीता गुरु बहन से अनुरोध है कि उनके मन को संतुष्ट करें।
जब सॉरी एक मिनट है ना मैं अभी और एडजस्ट हो रही हूँ. जय गुरुदेव सभी को. जय दादा गुरुदेव. एक्सपीरियंस शेयरिंग के भी इस मंथ से जय गुरुदेव. जय दादा गुरुदेव. आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के बैनर के नीचे चलने वाला ये लगातार प्रोग्राम है जो दो समय ध्यान और मंत्र जाप किया जाता है. सुबह 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक गुरुदेव की स्पीच और मंत्र सुना जाता है और ध्यान किया जाता है. शाम को 7 बजे से लेकर 7:15 बजे तक गुरुदेव की स्पीच सुनी जाती है, फिर गुरुदेव का मंत्र और फिर 15 मिनट गुरुदेव का ध्यान किया जाता है. उसके बाद में गुरुदेव की दिव्य लेखनी का सभी गुरु भाई बहन आनंद लेते हैं जिसका पठन किया जाता है. और संडे के दिन एक सुबह 9 बजे से बच्चों का सेशन किया जाता है इस, और संडे के दिन ही इंग्लिश का सेशन शाम को 9 बजे भी सेशन किया जाता है. और गुरुदेव ने कहा ना, काम से सत्य कितने भी जोर लगा ले वो जोर लगाती रहती है. सभी गुरु भाई बहनों के साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ भी हुआ. कोई भी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति इस मंच पे साझा करना चाहिए तो उसका स्वागत है. जय गुरुदेव सभी का. गुरुदेव ने इसको बड़ी सीधी सरल आराधना बताई है. पहले इतनी कठिन थी कि कोई कर ही नहीं सकता था, और इस जो एक नया रास्ता बनाया है गुरुदेव ने, इससे पहले यह रास्ता था ही नहीं. गुरुदेव ने कहा इतनी सीधी सरल आराधना है, बस भगवान का नाम ही जपना है, दो समय ध्यान करना है, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को, और काम करते नहाते धोते चलते फिरते जो भी काम कर रहे हैं बस गुरुदेव का मंत्र का जाप करना है. और एक इस प्रकार घुल जाना है जैसे आप थे ही नहीं, सिर्फ मंत्र ही मंत्र है हर काम में हर कार्य में, सिर्फ मंत्र ही मंत्र. फिर उसके बाद में जो आनंद आता है ना, शायद संसार की किसी चीज में भी वो आनंद नहीं है. गुरुदेव ने उस पर अक्षय आनंद गीता को धारण देकर अक्षय आनंद का नाम लेते हैं. विक्रम भाई साहब जय गुरुदेव, आपका स्वागत है. गुरु भाई जय गुरुदेव. बहन जय दादा गुरुदेव. जय गुरुदेव. गुरु भाई मेरी आवाज आ रही दीदी? आ रही है गुरु भाई. अभी ध्यान के दौरान एक छोटी सी अनुभूति हुई है, बड़ी दिव्य अनुभूति है और अच्छा लगा. मतलब पूरा शरीर ठंडक से भर गया. पहले तो ऐसा लगा कि बड़ी भयंकर आग जल रही है कुंडली मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक. वो फिर गुरु भगवान ने अपने उसको पैर से दबाया, पैर से दबा के उसमें मतलब दीदी इतनी भयंकर दिव्य ज्योति है वो, कि वो अगर गुरु भगवान ना हो तो आदमी फट जाए. मतलब क्या हो जाए मनुष्य का कोई अता पता नहीं. उसको दादा ने अपने दबाया सहस्त्रार में, और फिर दीदी वो ठंडक लहरी है मेरे शरीर में. मतलब ऐसी फैल है, एसी भी काम नहीं करता, जिसकी लहरियां की तरफ आ रही थी. बड़ा अच्छा, मतलब पूरा शरीर ठंडा पड़ गया. ऐसी मतलब अनुभूति हुई. और अपनी लेखनी में भी है, अभी गुरु भाई ने सुनाया कि वो तारे का भी नहीं चाहते कि अंधकार दूर हो, लेकिन सूर्य भगवान का काम निकलना है और उसमें सब दब जाते हैं. मतलब वो दिव्य शक्ति ऐसे करोड़ों सूर्य, मतलब ऐसे एक सूर्य से अब सामना है, वो तो करोड़ों सूर्य समाए हुए है. इतनी चेतना है दीदी, बड़ा अच्छा अनुभव. और देखो गुरु भगवान की कितनी महिमा है कि उन्होंने अपने चरणों से उसको दबा के इसको कितना डोज देना. बड़ी शांति बड़ी धैर्य की जरूरत है दीदी. जब गुरु मंत्र चले ना अपना, अपन को करना चाहिए
तो बड़े इत्मीनान से, कोई टेंशन नहीं। टेंशन तो जो बड़ी छोटी सी चीजें हैं दीदी, बड़े बड़े रोग के गुरु भगवान कैंसर एड्स जैसे रोग ठीक कर रहे तो ये तो कुछ मायने ही नहीं रखती, स्वतः समाप्त हो जाते हैं, वाह भगवान। लेकिन अगर गुरु मंत्र करे तो वो कोई बोझ नहीं, शरीर दिमाग में और कोई बोझ नहीं होना चाहिए, केवल बड़ी शांति से जब भी जितना हो जाए वो तो वही गुरु भगवान करवा था, अपनी ताकत नहीं मंत्र जाप करने की, भगवान तुम करवा, तेरा काम है प्रभु। मैं तो कामी क्रोधी लोभी अहंकारी कलयुगी पुत्र हूँ, वासनाओं से मेरा हृदय भरा हुआ है, मैं कहाँ सकता हूँ, मेरे तो नोई दोरों से मन निकल रहा है, झूठ पे झूठ बोलते जा रहा हूँ, न मैं समर्पण जानता हूँ, न सहजता जानता हूँ, न कुछ जानता हूँ। हे प्रभु तुमने जन्म दिया है और सबसे बड़ी बात के मिलन मिलन करवाया है, तुमने अपने चरणों की सेवा हमें प्रदान की है। खैर ऐसा दिव्य अनुभव हुआ दीदी के अपने दूसरे गुरु लोग तो चरणों से लगा लेते हैं, लेकिन दादा का हृदय खुला हुआ था, दिल में सब समा रहे हैं, दिलों में समा रहे दीदी। अपना गुरु भगवान दिल में बंद करके रखता है, अपन मूर्ख है, अपन जरा सी चीज अटकी भाई और गुरु भगवान के सामने खड़े हो गए कि हे प्रभु याचक, अपन याचक। लेकिन अपन को वो चीज भी मांगना चाहिए दिव्य, जो अब जिसके लिए अपन कर रहे, हे गुरु भगवान, हे परम पिता, हे जगदीश्वर, अब तू ही खबर करना उन उन तमाम छद्रम कोषों से निकाल के, बड़ी छोटी सी बिंदु है दीदी अंदर जाने की, बहुत सूझ, जब अपना बिल्कुल कोई छल छुद्र नहीं रहेगा, जब वहां पर प्रवेश करते हैं उनको शुद्ध तपा देता है गुरु भगवान, अपना ऐसे ही तो तपाएगा जितना गुरु मंत्र का जाप होगा। हमारे यहाँ कहावत है कि ज्यो ज्यो भींगे कांवरी त्यों त्यों भारी हुए, वो कांवरी उसको बोलते हैं जो पहले क्या होता था, नल वगैरह नहीं रहते थे तो कुओं से दो तीन घड़ा उसमें चार घड़ा तक रख के चलते थे, तो उसमें से आवाज भी निकलती चर्र चर्र की, तो वो जैसे ही भींगती जाती थी तो ढोने वाले का काम बरऊ लोग करते थे, तो वो ज्यो ज्यो भींगती थी त्यों त्यों भारी होती थी। तो ऐसे ही तो अपना काम है, अपना काम, अपनी तमाम बहुत सी बुरी आदतें दीदी, झूठ बोलने में तो पसीना आ जाता है, अब पहले तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, ऑटोमेटिक परिवर्तन हो रहा है, तो सब वही गुरु भगवान की तो दे नहीं है, अपना केवल एक सहज काम है, बड़े प्रेम से विनती करके हाथ जोड़ के और बस मांगना है कि दादा बस मंत्र करवा ले प्रभु, मंत्र करवा ले, समय निकाल ले, उसकी याद बनाए रहे, अपन हृदय के इतना ही काम भर है, और कितनी दिव्य शक्ति अपन को सहज रूप में प्रदान कर दी है दीदी, जिसका दूसरे ऋषियों ने बड़ा कठिन मार्ग बताया है और अपने गुरु भगवान ने अब वो दिल में ले रहे सब, ऐसा महसूस हुआ मुझे कि ऐसा दिल का किवाड़ खुला है दादा का और सब अरबों खरबों की संख्या में जा रहे हैं। हाँ भगवान ऐसा दिव्य दर्शन दिए दादा ने दीदी, जो मुझे अनुभव हुए मैंने साझा किए, अब जय सबको भगवान ऐसे ही दर्शन दे, सब गुरु भाई बड़े भगवान हैं, अपन सह सिद्ध योग से जो जुड़े हुए हैं वैसे ही सब बड़े भगवान हैं, केवल धैर्य से भजन करने का है, और बस अपन तो याचक ही बने रहे दादा, याचक बने रहे, लेकिन जो छोटी छोटी सी बातों में अपन उतनी ऊर्जा रखो, बस वही दर्शन दादा दिव्य दर्शन करावा, जिसके लिए हम अब 50-55 साल के हो गए, अब करवाओ तो आनंद ले जीवन जिए, बस वो भी याचिका लगा दे चाहिए अपनी, मेन तो वही पॉइंट है ना अपना जाने का, वहां जाना है, वो कुंडली शक्ति दादा बताते हैं ना अपनी स्पीच में कि वो उसमें लय हो जाएगी सहस्त्रार में, ओ लय लय मतलब कितना दिव्य आनंद होगा उसका, तो अपन बखान और बर्ण कर नहीं सकते, वो तो जो चखेगा वो जानेगा, जो चखेगा वो जानेगा, अपने गुरु भगवान ने चखी है वो, है ना, तो अपन को भी दे रहे हैं वो लव अनुभव से, अपने दिव्य दर्शनों से अपन जो कर रहे करवा रहे, गुरु भगवान करवाता है, अपन क्या करेंगे, गुरु भगवान करवाता है तो वो बिल्कुल टीवी जैसे दिखता है ना चित्र जैसा हो रहा है, ऐसा चल रहा है, मुझे तो टीवी जैसे दिखता है, टीवी फिल्म चल रही ना, तो गुरु भगवान आ जाएंगे, आज्ञा चक्र में आने लगे है दादा, बड़ी विन्नतों से करोड़ों बिंदु सबने के आगे चक्र में आओ, सब लोग बताते हमारे में आते हमसे क्या नाराजगी है हृदय में, और वो प्रार्थना आपने सुनाई थी ना, तो फिर वो मैंने लिखी उसको, लिख के और बस वही पढ़ता है गुरु भगवान के सामने बैठ के नहा धो के,
कोई प्रार्थना पढ़ देता हूँ समस्त सिद्धियों के दाता, बस कृपा बनाए रहना मुझे भाग्य के ऊपर। अब भागवान बनाया है, अब लिखा किस्मत, अब जीवन जीने का दिव्य आनंद शुरू हुआ है दीदी। अब तो अमृत बरस रहा है, अमृत सच्ची में कैसे बताऊंगा, बिल्कुल थोड़ा ऐसा नहीं कि बहुत बड़े आदमी है, थोड़े हो, थोड़ी की जरूरत है बस। उन चीजों से सबसे दिमाग दूर हो गया, अब वो ऐसी लगती है बस कि संसारिक जैसे कोई उलझाव है जी। मैंने कहा बार बार प्रणाम करता हूँ दादा, तस्वीर लगाया हूँ, जिस कमरे में बैठता हूँ, और बस एक गलती मनाने रहता हूँ दादा, जो पिछले भाई उसको माफ कर दे यार, माफ कर दे यार दादा, माफ कर दे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरुदेव ने कहा ना, तीन प्रकार की सोलर बताई गई है, अग्नि, और तीसरी तो बहुत ठंडी है। नाम तो अग्नि का है लेकिन ये बहुत ठंडी है, तो आज आपका अनुभव हुआ है। मैं रोज स्पीच सुनती गुरुदेव की, इसमें तीन प्रकार की सोलर है, जो तीसरी है जो है तो अग्नि ही, लेकिन वो बहुत ठंडी है। आपने जो अनुभव किया है आज गुरुदेव ने जो स्पीच सुनती, वो आज वास्तव में आपके जो आनंद बरस रहा है, जो उसको ठंड को महसूस किया है, उससे अनुभव हो रहा है, आनंद हमें भी आ रहा है। आपको तो पता नहीं कितना आनंद आ रहा होगा, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, लेकिन हमें उसको आपके सुनकर बहुत आनंद आ रहा है। मैं इसको स्पीच को बहुत बार बार सुनती हूँ। गुरुदेव कहे तीन प्रकार की सोलर है, तीसरी है जो बहुत ठंडी है, दिव्य है, शायद उसी का अनुभव आज गुरुदेव ने आपको कराया है। वो ठंडी वाली दिव्य तो हाँ, पहले तो तेज वाली, जो शुरू में तो बहुत तेज जितनी हाँ, अग्नि तो दादा ने, गुरु भगवान ने अपने चरणों से त्राण में आके उसको दबाया, फिर उसके बाद वो ठंडी लहरिये जिसका बखान नहीं, मतलब कई ऐसी फैल हो जाएंगे, ठंडी लहरिये थी, दिव्य आनंद, मतलब ऐसा ठंडा हो गया शरीर बिल्कुल, और वो कभी नहीं मिल रही, इतनी ठंडी हवा भी चलती है, ठंड में भी चलती है, तो मैं तो ऐसे ही खेतों में लहरिये नहीं जितनी आज दादा ने दिया है। अब जो माया हो उनकी, प्रभु तेरी लीला तू जाने, है ना। हम तो इस लायक ही नहीं थे गुरुदेव के श्री चरणों में बैठने लायक, पर गुरुदेव ने अहोत्य की कृपा की है, हम आ गए। बड़े भाग्यशाली मानते हैं अपने आप को कि गुरुदेव ने हम पे अहोत्य की कृपा की, हम तो इस लायक थे ही नहीं, पता नहीं गुरुदेव ने कैसे कृपा कर दी कैसे नहीं, ये तो गुरुदेव ही जानते हैं। सारे अवगुणों के भंडार थे शायद भाई साहब, आपसे विनोद गुरु भाई भी हैंड रेज किया था। जय गुरुदेव गुरु भाई, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव, वो गलती से हैंड रेज हो गया था गुरु बहन, आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, आए हो तो दो शब्द बोलो गुरु भाई। नहीं, वो एक अनुभूति पढ़ के सुनानी थी, वो थोड़ी देर में सुनाता हूँ, मैं अभी एक्चुअल में नीचे आ गया हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं अभी थोड़ी देर में ज्वाइन करता हूँ। जय गुरुदेव। ठीक है, ओके, जय गुरुदेव। विक्रम भाई साहब जय गुरुदेव, और कुछ अनुभूति सुनाना चाह रहे? हाँ दीदी, तो वो मतलब जो आपने बताई ना कि तीन प्रकार के वो होते, तो ठंडक वाली तो आज उसका वो हो गया है ना, अब दो कौन सी आप बताएं जरा। दो, एक तो अग्नि है जिसे अपने आँच जलाते वो है, वो जलाती है, और एक बिजली वाली है जो सोलर है, जो उससे भी आँच जलते हैं। दो प्रकार की अग्नि वो है, तीसरी गुरुदेव ने कहा कि शरीर में है और उससे ठंडक महसूस होती है, नहीं कि गर्मी। तीन प्रकार के सोलर गुरुदेव ने बताई है, दो तो जलाने वाली है और एक ठंड पहुंचाने वाली है। हाँ हाँ, जब वो तेज जल रहा था ना दीदी अग्नि का, तो मैंने तो जब ही हाथ जोड़ लिए, गुरु भगवान अब इसको धीरे धीरे धीरे, मतलब शरीर उसको सहन नहीं कर सकता इतनी दिव्य ज्योति, तो गुरु भगवान ने देखो एक पल में सुन ली मेरी पुकार, आ गए और आके सहस्त्रार में दोनों पैरों से उसको दबाया। मतलब अगर भक्त कहीं कष्ट में है तो एक पल की देरी नहीं लगती, एक सेकंड तो बहुत बड़ी चीज है। पल मतलब हाँ, गुरुदेव ने राजा जनक का दे था ना, आप जनक हो तो आप में कुछ परिवर्तन नहीं है, हाँ एक इस कुर्सी को, इस राज्य को अलग से रख करके शरण में आओगे तो एक पल भर क्या नहीं लगेगा। गुरुदेव कहते ना, एक नकाब में पैर रखा, दूसरे में रख ही नहीं पाए, और तीन दिन तक घोड़े पे एक पैर में रखे हुए समाधि में चले गए, तो बस फर्क इतना ही है, पर हमें है, मैं है अभी
उस लायक बने नहीं है शायद गुरुदेव, धीरे 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 सभी साधकों को उस ओर लेके जा रहे हैं। जो घड़ा हमने अपने कर्मों से भर रखा है, अच्छा बुरा सब कुछ खाली करके इसको उठा रहे हैं, हल्का कर रहे हैं, ताकि हम उसके उससे निकले हैं, उसी में जाके समय समा जाएं, विलय होना है, उसमें विलय होना ही मोक्ष है। गुरुदेव ने कहा ना कुछ है नहीं, जीते जी महसूस करोगे कि आप मैं ही हूँ, वो अलग कुछ है ही नहीं, तो आप समझना मोक्ष है, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं अलग। जब गुरु भगवान के चरण सहस्त्रार्म रखे उन्हें तो ठंडी लहर ये तो महसूस हुई हुई, और ऐसा अनुभव हुआ कि बड़े इत्मीनान से, बड़े शांति, बड़े चैन से बैठ के, भलाई वो 5 मिनट हुए। मंत्र आप बड़े स्नान से करना चाहिए, बिल्कुल गुरु भगवान तो बड़े स्पीड में करते हैं, उतना अपन कहाँ कर सकते हैं, वो तो भगवान है ना साक्षात, तो चैन की तरह मतलब अपनी लय टूट दे ना पाए, अगर शांति से भी कर रहे आप तो लय न टूट नहीं पाए। मैं तो ऐसा कि कछु कुछ वो ले आया हूँ करताल, तो कुछ करताल से उनको भी बुलवाता हूँ, है ना। मैंने महसूस एक बार किया, शेयर किया था कि मेरी ट्रैक्टर बोल रही थी गुरु मन, मेरे अंदर जो चल रहा, मेरे साले से वो शब्द निकल रहे थे, है ना। तो अपन तो वो ऑटोमेटिक, वो तो पूरी प्राकृतिक इसको चाहती है ना, ये तो दिव्य चीज है। जी झाड़ पेड़ जीव जंतु वो पतंगे कीड़े एक आवाज में बिल्कुल सारी रात क्या बोल रहा है, वो यही तो बोल रहा है, करोड़ों जन्मों से भगवान का जाप कर रहे, तब बड़े भागमान उस्तन पाए, अपन बड़े भागमान दीदी मानुस्तन और डबल भागमान कब हो गए, जब समर्थ सदगुरु रामलाल जी श्याम के शिष्य बने, अपन बनने की उसी की कृपा हुई है दीदी, उसी की कृपा, छानते 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 छानते। मैंने भी कई गुरु बनाए थे दीदी, कई जगह भटका था इस चीज के लिए, लेकिन वो चीज नहीं मिल रही थी जो हमारे, अब तो मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ कि मेरा गुरु समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्याम वो दिव्य चीज देते हैं, बताते हैं अपने स्तर पे। अच्छा प्रचार भी ऑटोमेटिक होते जाता है, अभी एक मामा की लड़की आई थी, उनको समझाया, बड़ी दिव्य खुश हुई, गुरु भगवान अपना कार्य तो स्वयं स्वतः करवा लेते हैं, और आपकी भी जो मनोकामना है धीरे 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 अपन को लगता है कि नहीं हो रही, हो रही। गुरु तो एक एक बात जानता है, अपने हृदय की बात जानता है, बाहरी बात क्यों नहीं जानेगा दीदी, वो तो बाहरी बात भी जानेगा कि मतलब इसके घर में परिवार में क्या चीज की कमी है, मतलब एक योगी है और वो मंत्र वो तो 7 पीढ़ी तार देगा दीदी, उसके 7 पीढ़ी तार जाएगी, ऐसा है। तो बड़ी शांति बड़े धैर्य से भजन करने का है दीदी मेरा अनुभव, मैं कोई ऐसा ज्ञानी नहीं हूँ दीदी, मैं भी ज्ञानी गुरुदेव ने कहा ना, मैं तो इस शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ाने निकला हूँ, तो जैसे हमारे धीरे धीरे हमें गुरुदेव अपने शरीर रूपी ग्रंथ पढ़ा रहे हैं, हमने कोई कथा प्रवचन नहीं सुना है किसी गीता ज्ञान का या किसी रामायण के या वेद उपनिषद हमने नहीं पढ़े, गुरुदेव के द्वारा ही हमें धीरे 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 अनुभूतियों के द्वारा हमारे मंत्र जैसे समय निकल रहा है उससे हमें धीरे धीरे ज्ञान हो रहा है और उसी का आनंद ले रहे हैं। मैं भी एक थोड़ा सा आपके बात का ना ये पतंगे की सब पे गुरुदेव की कृपा है उसी के उदाहरण पर एक मेरे साथ घटना घटी कि मैं ट्रांसफर करा के 2021 के अंदर जनवरी में ज्वाइनिंग की थी और जो सामने वाली बहन जी ने स्टे ले लिया था जनवरी से लेके अब शुक्रवार को मेरा काम सुलझा है 2.5 साल के अंदर और गुरुदेव ने कैसी कैसी विपताओं में डाला और कैसे उसमें निकाला फिर भी अंदर से सपोर्ट कैसे किया वो पूरी कहानी बताने लग शायद पूरा सेशन निकल जाएगा तो मैं शॉर्ट में बताती हूँ इसको। जैसे ये मैंने दिसंबर में गुरुदेव ने मेरे को कहा कि आप है ना आप स्टे पे हो और उसका पास वो डिस्पोजल हो गया केस आप 20 में उसे सर से साइन करा के सीएमओ समझाओ कि आपका आदेश वहां हो जाएगा। पहले दिन हम गए और वो सारा काम हो गया, बोल बहन जी कल आपको आदेश मिल जाएंगे कल आ जाना। हम दूसरे दिन गए गुरुदेव ने मेरे को सुबह दिखा दिया कि वो बंदा है और वो आएगा आपका काम नहीं होने देगा बिल्कुल, काम जैसा मेरे को दिखाया था सेम वही पोजीशन वहां हुआ लेकिन मैंने दिमाग ही नहीं लगाया कि गुरुदेव मेरे को क्या दिखा रहे हैं क्या नहीं, मैंने दिखा गुरु दिखाया दिखाया दिखा दिया बस गुरुदेव पर विश्वास करके मंत्र जाप करके चली गई और सेम वही घटना घटी, उसने मेरे काम नहीं होने दिया और फिर गुरुदेव ने मेरे को जिस प्रकार राम ने धनुष उतारा ना वैसे ही मेरे को कहा कि अब तेरा समय आ गया केस जाके न्यायालय में है, फिर मैंने कोर्ट केस में गई वहां से मैंने आदेश लिए और या आदेश लेने के बाद में अब मैं गई तो तब भी उसने इतना भयंकर फैला रखा था रायता गुरुदेव नहीं होते शायद उस मिनट में भी नहीं आता। किस प्रकार कैसे कैसे लोगों से मेरे को मिलाया कैसे नहीं क्या, एक राजनेता से भी 20 सीएमएचओ को भी और कलेक्टर को भी कहवाया तब वो मेरे घर आए शुक्रवार शनिवार को
तब मैंने ऐसे कहा कि भाई साहब आप तो बाहर थे लेकिन आंतरिक सपोर्ट मेरे गुरुदेव की, तो सारा मार्गदर्शन मेरे गुरुदेव मेरे साथ करते आ रहे हैं। तो बोल ऐसी बात है मुझे, मेरे देखो चूल्हे गैस साफ करती, मैं यहाँ से जल गई लेकिन मेरे हल्का सा महसूस हुआ जली हूँ, और ये फूल गैर आपने ऑटोमेटिक ठीक हुआ, मैंने कुछ नहीं लगाया, मेरे गुरुदेव की कृपा जितनी है मुझे हाथर उठा कर लेकर। लेकिन हाँ जिस टाइम मेरे ये दिखा रहा था तब मैं महसूस किया आंतरिक शरीर के और बाहरी शरीर का, बाहरी शरीर इतना घबरा रहा था, इतना घबरा रहा था, गुरुदेव से एक ही बात कर, गुरुदेव क्या सत्य इतना रोएगा, 2.5 साल होगी रोते रोते, क्या सत्य इतना झुकेगा, क्या भी उसकी जीत नहीं होगी, आप तो धर्म के लिए आए हो फिर अधर्म क्यों जीत रहे हो, धर्म क्यों हार रहा है, अगर मैं मेरे को यहाँ दिलाना नहीं तो क्यों कोर्ट केस कराया, क्यों वहां से स्टे दिलाया, क्यों वहां कोर्ट का आदेश भी पेमेंट कराया फिर भी मेरा काम नहीं हो रहा। फिर गुरुदेव ने एक ही आवाज की दी, कोरों ने छलकपट करके सारी सेना अपने तरफ ले लिया था, लेकिन वहां मैं खड़ा था, वहां धर्म था, जहां धर्म है वहां मैं खड़ा हूं, और मैं खड़ा हूं वहां जीत जरूर है, चाहे जरूरी नहीं है कि सारे सपोर्ट आपके अंदर करें। और सेम वैसे मेरे सुबह प्रार्थना की और अंदर से यही निकला कि जहां धर्म है वहां मैं हूं और मैं हूं वहां जीत है। तो उसी दिन शाम को मैं खूब कोशिश करी, मेरे को छुट्टी नहीं मिली, फिर मेरी मीटिंग थी, मीटिंग अटेंड करके मैं 1 बजे की बस वाली में गई हूँ, वहां जाते ही मेरा सारा काम गुरुदेव ने ऐसे कर रखा तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा ऐसा काम हो जाएगा, वहां जाते ही मेरा आदेश मुझे हाथ में देख के भेज दिया। तो ये है, और फिर अंदर से बाहर से तो मैं इतनी घबरा रही थी कि शायद ये सफल भी बर्बाद हो जाएगा, पैसे भी लग गए, शायद कुछ नहीं होने वाला, और गुरुदेव ने सबको कह दिया कि इसने कोर्ट से आदेश लिया है, इसका पेमेंट नहीं बनेगा, और अब भी इसको आदेश नहीं मिले, मूल पोस्ट नहीं मिलेगी, गुरुदेव अब तो और भी बेइज्जती करा दी, मैं तो एक मनुष्य योनि में हूँ, मैं आपकी तरह त्रिगुणातीत नहीं हूँ कि मैं सहन नहीं कर पाऊँ, मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर का शरीर वो बिल्कुल शांत था, जैसे उसको कुछ हो ही नहीं रहा, और बाहर इतना गर्व, तब महसूस किए अंदर आंतरिक शरीर और बाहर 7 शरीर बताते हैं, उस शरीर को मैंने महसूस किया अंदर बिल्कुल शांति है, और ये बाहर का चोला है ये रो रहा है, और रो रहा है जो गुरुदेव उसको जवाब दिया और उसका फल ये मिला। और जब मेरे को आदेश मिले उस टाइम भी आंतरिक इतनी खुशी आई बाहर से, लेकिन महसूस कर रही अंदर तो बिल्कुल शांत है, वो कुछ नहीं रो रहा है, नहीं हंस रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन भारी मन है ना, भारी शरीर का जो चोला पहन रहा है ये खुश हो रहा है, और अंदर झांका तो वो बिल्कुल शांत बैठा है, ये क्या चक्कर है, गुरुदेव हमें अंदर से आंतरिक सपोर्ट करते आ रहे हैं, गुरु भगवान की कृपा है ना, सपोर्ट कर रखा है, अंदर से सपोर्ट कर रखा है गुरु भगवान, बार बार अपने कर रहे हैं हमें, हाँ, लेकिन अंदर से मानवीय शरीर है, मैंने अंदर का अंदर से मैंने उस दिन महसूस किया कि हमारा अंदर में कितनी धीरे 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 शांति महसूस होती आ रही, जो धीरे धीरे हम उस ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उस पहले इससे पहले महसूस नहीं कर पा रही थी, लेकिन उस दिन मैंने महसूस किया। और फिर शनिवार को जिसने मेरे बात की कलेक्टर से बीच में सर से कि आप स्टे का कोर्ट का कार्य को आगे इस निदेशालय तक मत भेजो, ये कोर्ट कंटेम्प्ट लगाएगी, फिर वो आपको ही लेना देना पड़ेगा, उसमें बड़ी मुश्किल से वहां से रुकवाया। तब मेरे घर आए, तब मेरे ऐसे ही मेरी बगीची लग रही है, थोड़ा मैं पेड़ पौधों का वो करती हूँ, तो मेरे थोड़ा शौक है, तो देखने लगे कि मैंने कहा कि मेरे पेड़ पौधा एक है ये सूख गया है। फिर ऐसे ही घर आके बैठ के ऐसे मैंने मेरे गुरुदेव की चर्चा कर दी, वो तो राजनीति की बात कर रहे थे, मैंने काट करके मेरे गुरुदेव की चर्चा शुरू कर दी, भाई मैंने एग्जाम्पल दिया, तब तो बहन जी ने बोले ठीक है आप जड़ा के दिखाओ फिर देखूंगा, मैं कैसे कैसे जड़ा दूंगी मैं, वो तो ऑटोमेटिक जड़ा था गलती से, लेकिन हाँ ठीक है, फिर आपको पेड़ मरा हुआ है ना, आप कह रहे हो पेड़ पौधों पर विपक्ष जानवरों पक्षी सब पे असर होता है, तो आपका पेड़ अगर सजीवन हो जाएगा तो मैं मान लूंगा आपके गुरु में ताकत है। शनिवार को गुरुदेव ने मैंने उसने बोला मेरी जवान वही चुप होगी, आगे आकरने वाले गुरुदेव है, उन्होंने तो मेरे गुरुदेव को चैलेंज कर दिया, मैंने गुरुदेव मैं आपकी जैसी नहीं हूँ, इसने मुझ पे नहीं किया आप पे किया, और मुझसे ये सहन मेरे गुरु पे किसने मेरे घर आकर के आपके और आप पे चैलेंज करे कि ये ऐसा हो नहीं सकता, ये हो जाएगा तो उसको मैं मान लू। मेरे हृदय में इतना आघात हुआ और गुरुदेव की तरफ इसकार देखती रही, पर आंतरिक मन से मैंने प्रार्थना की। और आज सुबह जब मैं उस पेड़ की तरफ देखा ना, उसके पेड़ की पत्तियां बिल्कुल खिली हुई है, जो मर चुकी थी बिल्कुल पेड़ खिला हुआ, मैंने उसके पास वो फोटो भेजी, मैंने ग्रुप में शेयर की कि मरा हुआ पौधा वापस जीवित, और उसने कहा कि बहन वो मंत्र मेरे पास भेजो गुरुदेव का, ताकि मैं भी जान सकूं कि मरा हुआ पौधा वापस जीवित कैसे हो गया, गुरुदेव की कृपा है, कब कैसे कर दे कोई पता नहीं है। मुझे बहुत ही आनंद आया, और इससे महसूस भी हुआ कि हमारे जो अंदर मन से पहले तो
हर चीज में विचलित और चैन नहीं पड़ता था, नींद नहीं आती थी। गुरुदेव अब भी घबराते हैं लेकिन आंतरिक शांति हमें इतनी मिलती है कि पीछे पता ही नहीं। गुरुदेव एक ही बात का है मेरे से आजकल बार बार एक ही शब्द निकल रहा है कि मंत्र को इतना जप कि प्रकृति शक्ति ईश्वर अपनी ताकत को बढ़ा सके, अपनी मुट्ठियों को खोल सके मानव कल्याण के लिए। इतना मंत्र जप कर, इतना मंत्र जप कर, तेरे को सिर्फ मंत्र जप करना, प्रचार नहीं करना, मंत्र जप करना है। रोज गुरुदेव एक ही बात कह, तेरे को मंत्र जाप करना है गुरुदेव, ईश्वर अपनी मुट्ठी को खोलेगा, मंत्र जाप ही करना है तेरे को, बस एक ही निकल रहा है। किसी गुरु भाई बहन ने हैंडरेट किया था देख लेना। सॉरी विक्रम भाई साहब ने किया, जय, मैंने तो भूल गई। जय गुरुदेव गुरु भाई, विक्रम भाई साहब जय गुरुदेव। जय गुरुदेव की गुरु बहन, क्षमा चाहती हूँ गुरु बहन, आपको ले नहीं पाई। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरु बहन। मेरा ये क्वेश्चन है कि मतलब मेरी ये नेगेटिविटी नहीं जा रही बिल्कुल भी। मैंने काफी बार इस प्लेटफॉर्म पे ये बात रख भी दी और मतलब मेरा ध्यान नहीं लगता है बिल्कुल भी। गुरु भाई आप है ना इन चीज, मैं भी आपने कहो ना मेरा ध्यान कभी कभार ही लगता है, डेली नहीं लगता है, ठीक है ना। फिर भी नेगेटिविटी हमारे साथ तब तक चलती है, हमारे सहायक है ये नेगेटिविटी भी। आप ये समझना, गुरुदेव ने कहा ना कि नदी में अगर घास फूस कचरा आ जाए, इसका समझना कि वो रुक गया, उसको हटाएंगे तो वो पानी तीव्र गति से बहता है। और जैसे हम ये नेगेटिविटी हमारे इसलिए हेल्प करती कि हम इस नेगेटिव को भगाने के लिए मंत्र का ही सहारा लें, किसी गुरु भाई किसी बहन का नहीं, सिर्फ मंत्र का और गुरुदेव से प्रार्थना का। जितना आप गुरुदेव से ज्यादा मंत्र जाप करेंगे वो नेगेटिव हटेगी और हमारी आराधना बढ़ेगी। और जैसे हमारे बढ़ेगी वहां एक और नई नेगेटिविटी है। गुरुदेव ने कहा ना आगे चक्र तक माया का जगत है, वहां तक आपका ये पीछा छोड़ने वाली नहीं है। शायद मैं भी उसका शिकार होती हूँ, डेली शिकार होती हूँ, पर गुरुदेव से एक ही प्रार्थना करती हूँ, इसके जीतने लिए गुरुदेव मैं उसे मंत्र जाप कराता है कि ये इनकी ये मेरे रास्ता जो अटका रखी है, मुझे रास्ता बंद कर रही है, उस रास्ते को मैं पार कर सकूं, इतनी ताकत दे, इतना मंत्र जाप करा ताकि मैं उसे लड़ सकूं, सिर्फ इतना प्रार्थना करती हूँ। और ये नेगेटिविटी तो हमारे अज्ञा चक्र तक जाएंगे तब तक साथ नहीं छोड़ेंगे, यहां तक मैं मानती हूँ। और भी गुरु भाई बहन शायद आपके क्वेश्चन का जवाब दे सके तो उनका स्वागत है। कोई गुरु भाई बहन विक्रम भाई साहब के क्वेश्चन का जवाब देना चाहे तो स्वागत है गुरु भाई। मैं तो यही मानती हूँ गुरु भाई, मैं तो गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ, गुरुदेव आज ये सही नहीं हुआ, जो एक होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। गुरु बहन मुझे नींद में भी दिक्कत रहती है, ये सारी चीज सहायक है गुरु भाई। कोई भी चीज गुरुदेव ने एक बात ही खास, घास फूस कचरा आ जाता है मतलब समझ लेना कि नदी का पानी रुक गया, वटते है तो कितनी तेज गति से, नींद नहीं आती गुरु भाई, मंत्र जाप ही है इसका और कोई भी समाधान नहीं। गुरुदेव ने कहा कि राउंड द क्लॉक मंत्र जाप, तेल की धार की तरह मंत्र जाप, या तो फिर अपने अंदर कमी है, हम मंत्र गुरुदेव का आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, सिर्फ मंत्र जाप। आप मंत्र जाप कितना कर रहे हो इतना बताओ बस, उसमें भाव की कहीं जरूरत नहीं है। गुरुदेव ने नहीं कहा कि भाव करो, आपने गुरुदेव ने कहा काम है आपका मंत्र जाप का, हम खेत में बीज गिरते हैं ये नहीं देखते हम सीधा गिरना है, चाहे उल्टा सीधा जैसे गिर रहा है उसको गिरते हैं, बस गुरुदेव ने कहा कि बेमन से कर रहे हो, पर मंत्र जाप सघन होना चाहिए, अपने आप भाव जो भी अंदर से गुरुदेव से भाव जोड़ना है, प्रेम जगाना है या दया निकलनी है, जो भी निकलना है वो अंदर से हमारे अंदर जो हमारे कर्मों के अनुसार बढ़ा है और गुरुदेव की कृपा है कैसी है वो अपने आप निकल के आएगा। जैसे मथनी के अंदर कैसे झाग आते हैं फिर घी खट्टा है, तो वैसे हम इस मंत्र का मथनी बना दे, जिस प्रकार हमने दही को बिलोना है वैसे ही मंत्र को चलाना है ताकि हमारे शरीर रूपी हमारे कर्मों की मथनी बन जाए और हमें वो घी निकल जाए, तभी हम उस नेगेटिविटी निकल सकते हैं। ऐसे नहीं कि घंटा दो घंटा मंत्र जाप किया पीछे छूट गए, गुरु भाई मुश्किल है, कलयुग में ताम शक्ति इतनी विकट है कि पूछो मत। मेरे को नहीं लग रहा कि कोई गुरु भाई ऐसा है कि उनको जीत सका है, मैं तो नहीं जीत सकी हूँ, मैं तो हर रोज लड़ती हूँ। मैं तो गुरुदेव से कहती हूँ गुरुदेव मुझे कहाँ लड़ने के लिए भेजते हो, हर रोज रात को मेरी लड़ाई होती है, कहाँ भेजते हो, किस अमर युद्ध में भेजते हो, कौन सा है। और इतनी नेगेटिविटी है, ड्यूटी करते हैं वहां पर पब्लिक से भी, वहां से सब कहीं से नेगेटिविटी आती है, लेकिन घर आते एक ही लक्ष्य होता है, जाते हुए गुरुदेव जहां तक हो सके समय निकले मंत्र जाप जरूर कराने, प्रभु मंत्र जाप जरूर कराने, एक ही प्रार्थना करते हैं आगे आपका काम है, पर मंत्र जाप भी आप भी कराओगे, मुझसे नहीं होता ये मंत्र जाप, सिर्फ आप कराओगे, आपका काम है बस गुरुदेव से प्रार्थना और मंत्र जाप ज्यादा ज्यादा करने की कोशिश करोगे गुरु भाई, तभी वो शायद मनोज कुमार गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव सबको, जय गुरुदेव। और जो विक्रम भाई का
सब वाले ध्यान लगता नहीं, वो सब छोड़ दो, गुरुदेव हमको क्या जाप करो और कुछ नहीं, ध्यान करो, हम लोग जितना आ सके उतना करने का है, ऐसा कुछ छोड़ देने का, ध्यान लगता नहीं, ये लगता नहीं, देखने का नहीं, डॉक्टर हमको कैसे दवाई लो बोलते, हम लोग लेने से ठीक हो जाएगा, आप इतना पढ़ा लिखा किया, आपको आपका टीचर बोला ये पढ़ाई करो पास हो जाए, आप पढ़ाई किया पास हो गया, ऐसा ही, इसमें कोई टेंशन नहीं करने का, ध्यान लगे नहीं लगे कुछ नहीं, मंत्र जाप जितना हो सके उतना कोशिश करके देखो, गुरु को बोलो, ध्यान लगे नहीं लगे, मेरे कभी कितना कितना दिन ध्यान लगता नहीं, मैं किसी को बोलता नहीं भाई, चलेगा चलेगा, जब भी लगता है लग जाता है, इसलिए कोई टेंशन मत करो, कोई कुछ नहीं, खाली मंत्र जाप पे जोर करो, जितना हो सके उतना मंत्र जाप कोशिश करो, अगर होता नहीं तो गुरुदेव को प्रार्थना करो, गुरुदेव मेरा कि मंत्र जाप होता नहीं, सब कुछ हो जाएगा, आप इतना करोगे तो टेंशन नहीं लगेगा, उसमें क्या है, ऐसा करने से आपको पूरा गुरुदेव सपोर्ट देंगे, जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव गुरु भाई, शायद वर्षा गुरु बहन ने भी हैंड रेज किया है, विक्रम भाई हाँ, जय गुरुदेव सभी को, जय गुरु बहन, आपने बोला ना गुरुदेव मंत्र, गुरुदेव क्या है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, गुरुदेव मंत्र करा ही लेते हैं, अभी दो तीन दिन से क्या हो रहा है कि मैं दिन में मंत्र नहीं कर पाती, रोज रात को सो जाती हूँ, फिर मेरी नींद खुलती है 3 घंटे के लिए, और मुझे मंत्र, मैं फिर उसमें मंत्र जाप ही करती हूँ, तो गुरुदेव कराते हैं मंत्र जाप, ऐसी बात नहीं है, 3 दिन 2 दिन सुनते हैं, मैंने बोला नहीं मंत्र कराओ, अपने आप ही मेरे को मतलब लेती सो गई, आधा घंटा गुरुदेव का मंत्र करते सो गई, फिर उठी, मतलब सोच लो आप 11 बजे से लेके 2 बजे तक मेरा मंत्र ही चला, 2-2.5 बजे तक फिर मैं सोई, तो गुरुदेव फिर कराते भी हैं मंत्र, ऐसी बात नहीं है, ये मेरे साथ अभी रिसेंटली 2 दिन पहले हुआ, तो मैंने कहा गुरु बहन मैं तो गुरु बहन मैं तो एक करती, मैं ड्यूटी जाती है ना वहां पर, गुरु एक है चौरंगी नाथ जिसका नाम रखा गुरु ने, उस पूर्ण मल का उसके मंदिर है, उसके आगे दादा गुरुदेव मच्छिंद्रनाथ और दादा गुरुदेव गोरखनाथ दोनों की फोटो रहती है, मैं उनका नमस्कार करके जाती हूँ, एक ही प्रार्थना, गुरुदेव आप मेरे दादा है और मेरे गुरुदेव से प्रार्थना करना कि मुझसे इतना मंत्र जाप कराए जितना उनको जरूरत है, हर रोज प्रार्थना करते और वो मेरे पूरे दिन मंत्र चलाते, गुरुदेव मुझे इतना मंत्र कराना, मेरे गुरुदेव तक सिफारिश कर देना, मैं गुरुदेव से इतनी हिम्मत नहीं है मैं उनको बोल सकूं, पर मेरे गुरुदेव से इतना सिफारिश कर देना कि मुझसे पूरे दिन मंत्र जाप कराए, मुझे ना और कुछ नहीं मानती, या और मुझे पता, मैं मेरे हस्बैंड से बोला मुझे 2 दिन से नींद आ रही है, फिर मेरे को समझ आया कि मैंने 2 दिन दिन में मंत्र नहीं करा, और गुरुदेव कहते अब रात में कर बैठ के 2 दिन, अब मेरे को समझ आया, तो मैंने कहा नहीं मैं दिन में भी करूंगी, मतलब ऐसी बात नहीं है गुरु बहन, जैसे जैसे हम आराधना मंत्र की जाते, परसा गुरु बहन आपका तो बड़े अच्छे समय गुरु मंत्र हो रहा है, क्षमा चाहता हूँ बीच में बोल रहा हूँ, जय गुरुदेव, आपका तो बड़े अच्छे समय, अच्छे बहुत अच्छे समय आपका मंत्र जाप हो रहा है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा समय होता है रात का, हाँ, नहीं, सब सुनसान रहता है, नहीं, वो हाँ दीदी आपका भगवान गुरु भगवान ने बहुत बड़ा समय, अच्छा समय चुन के दिया है आपको मंत्र जाप करने का, वाह वाह, राम भजन 3 दिन 2 दिन करा, राम भजन जब गाइए, जब सोता पड़ जाए, जब संसार सोता है, जब योगी जगता है, आपको तो भगवान गुरु भगवान ने पूर्ण योगी बना दिया दीदी, बहुत बहुत गुरुदेव मुझे अमृत वेला में उठाते ही हैं, 2 से लेकर 2:30 से लेकर 4-4:30 के बीच में मंत्र मतलब मेडिटेशन के लिए अपने आप उठाते, मैं नहीं उठती बिना अलार्म, वो मैं प्यारी शिष्या हो आप गुरु भगवान की, वो मुझे उठाते ही हैं इस समय, तो 15 मिनट के लिए मैं करती हूँ मतलब वो मेरा है, और फिर मैं करके सो जाती हूँ, पर वो ही ना दिन में मेरे को कई बार टाइम नहीं मिलता, अब मैंने कर लिया कि दिन में मंत्र जाप ही करूंगी, और रात को गुरुदेव मुझे उठाते हैं कि मंत्र जाप नहीं करा आज तूने, कर बैठ के ये मेरे 2 दिन हुआ, मैं बड़ी ताजू, फिर मेरे को ध्यान है हाँ मैंने दिन में नहीं करा आज, मैंने खुद को ही पता है नहीं करा, गुरु बहन जैसे जैसे हम अपना मंत्र जाप को ज्यादा बढ़ाने लग जाते हैं ना, ललक बढ़ाने लग जाते हैं,
उस टाइम गुरुदेव की ये प्रार्थना निकलने लग जाती, गुरुदेव 2400 घंटे कराना, गुरुदेव इतना कराना जितना आपको जरूरत है और मेरी इस बॉडी को सहन कर पाऊं, और जितना आपका काम आयो उतना कराना, वो अंदर से निकलने लग जाती है। मैं शायद विक्रम भाई साहब से पूछना चाहती हूँ, कितना देर मंत्र जाप करते हो, कैसे है आपकी आराधना, कैसे कर रहे हो? सिर्फ इतना, और सहायक तो गुरुदेव ही है, हम तो नहीं है। जय गुरुदेव विक्रम भाई साहब। वर्षा गुरु बहन कुछ और बोलना चाह रही है आप? नहीं नहीं, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव विक्रम भाई साहब। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। कितना मंत्र जाप करते हो गुरु भाई, कैसे करते हो आप? कुछ अपने बौद्धिक प्रयास से, गुरुदेव ने कहा कि बौद्धिक शुरू में तो बौद्धिक प्रयास ही करना पड़ेगा। बच्चा शुरू में चलता है ना, जब अपने शरीर बहुत ध्यान से पढ़ता है, उड़ता है, सारा काम करता है, लेकिन चलने लग जाता है, दौड़ने लग जाता है। जैसे गुरुदेव ने शुरू में तो मंत्र जाप को बहुत ही बुद्धि से जपने के लिए कहा है, बाद में तो अपने आप फटाफट चलने लग जाता है और की ओर बढ़ने लग जाते हैं। नकारात्मकता जपने ही नहीं देती है मंत्र को तो बिल्कुल ही, तो बिल्कुल नहीं जपे तो कैसे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप बताओ, अगर स्कूल के अंदर हमें गुरुदेव ने कहा पराविज्ञान, उसमें अगर स्कूल में बच्चे बैठते हैं और एक बच्चा पढ़ रहा है, वो फर्स्ट आ रहा है, एक बिल्कुल ही नहीं, बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा है, वो पास ही कैसे होगा? गुरुदेव का कार्य हम कर ही नहीं रहे, तो गुरुदेव से सिर्फ प्रार्थना करना, गुरुदेव ये नेगेटिविटी मैं नहीं जानता कैसे कैसे नहीं है, सिर्फ मुझसे तो मंत्र जाप कराना और अपने आप बौद्धिक प्रयास भी करना। गुरु भाई बौद्धिक प्रयास के बिगर तो होना भी मुश्किल है, शुरू में तो बौद्धिक प्रयास ही करना पड़ता है। प्रयास तो कर रहा हूँ, प्रयास तो कोशिश करो, बैठ के करो, गुरुदेव की मंत्र लगा लो। मैं तो शुरू में, मैं मेरा बताती हूँ, शुरू में गुरुदेव का मंत्र के साथ साथ प्रयास करती थी बोलने का, और गुरुदेव की स्पीच के साथ बोलने का, मंत्र जाप करने का शुरू में हैबिट किया था, और आज भी मैं गुरुदेव की स्पीच साइड में लगाती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ, मंत्र चलाती रहती हूँ। गुरुदेव ने कहा कि मेरी फोटो के अंदर, मेरा मंत्र के अंदर और मेरी आवाज में तीनों बराबर पावर है, आप उस पावर को महसूस करो, उसकी ओर आगे बढ़ो। गुरुदेव की स्पीच ज्यादा सुनना, गुरुदेव को मंत्र लगा, शुरू में नहीं आया तो मंत्र के साथ साथ जपने की कोशिश करो आप। भैया गुरु मंत्र बहुत ही प्रयास तो करना ही पड़ेगा, गुरुदेव ने कहा कि प्रयास चलना तो आपको ही पड़ेगा, मैं तो रास्ता ही दिखाऊंगा। मैं मतलब 10 साल से परेशान हूँ, 10-12 साल से परेशान हूँ मैं, जब 10-12 साल ही मेरे को जुड़े हो गए गुरुदेव के, लेकिन मैं मतलब डिप्रेशन, ये नकारात्मकता से छुटकारा नहीं मिल रहा है मेरे को। आप एक एक शब्द को नकारात्मक, डिप्रेशन, इनको कुछ भी मत सोचो, आप सिर्फ इतना सोचो कि मुझे तो गुरु का आज्ञा का पालन करना है, गुरु ने मुझे क्या आज्ञा दी है, सिर्फ उतना दिमाग रखेंगे शायद ये शायद निकल जाए। नकारात्मक सोचते हैं ना, वो भी हमारे सोचना ही तो है नकारात्मक, वो है क्या, हमारी थिंकिंग ही तो है। आपको सिर्फ गुरुदेव का आदेश का पालन करो, गुरुदेव ने मुझे क्या आदेश दिया है उसी पर ध्यान देना है हमें। शायद सुनील कुमारी गुरु बहन ने आप हैंड रेज किया है। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु बहन। मैं ये कहना चाह रही हूँ विक्रम भाई को कि अपने जो विचार है ना, अपना मत जो है ना, गुरु चरणों में समर्पित कर दो, जैसा आपने करवाना है वैसा करवाओ, नींद दिलवानी है तो नींद दिलवाओ, तो जैसे ये समर्पित हो जाएंगे ना, तो कोई भी तामसिक शक्ति की ऐसी शक्ति नहीं कि भी जो उनके आगे आगे नहीं करवा सके, ये खुद मैंने महसूस किया है। जैसे मेरे को नींद नहीं, सारा दिन ऐसे नशासा रहता है, नाम जपती हूँ तो नींद आ जाती है तुरंत, दिन में भी नाम जपती हूँ तो नींद आने लगती है, लटके आने लगते हैं, और सारा दिन आंखों में नशा रहता है। मैं सिर्फ प्रार्थना इतनी करती हूँ, गुरुजी मेरे को नाम जप का नशा होना चाहिए, मैं नाद भी नहीं सुनती, नाद की तरफ भी ध्यान नहीं। गुरु बहन मेरे तो नाम जप में इतना, मैं ध्यान भी एक टाइम करती हूँ और इतना मुझे आनंद आता है कि मेरे को चिंता मैंने सारी छोड़ दी, घर की भी, घर में सबके घर चिंता होती है, मैंने कहा अपने अपने कर्म लेके आए हैं, गुरुजी को सब पता है, इसको क्या दिक्कत है, क्या बच्चों में दिक्कत है, वो अपने आप से मानेंगे, सिर्फ अब अपनी तरफ ध्यान देती हूँ और गुरु मंत्र का बहुत ज्यादा ध्यान करने लगी हूँ, तो इससे मेरे जीवन में खुद में परिवर्तन आ गया।
अब मेरे घर वाले भी कहने लगे कि आप तेरे आपके जीवन में तो बहुत परिवर्तन हो गया। मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ गुरु कृपा से ही हुआ है। तो आप ये मत सोचो नींद नहीं आती, डिप्रेशन नहीं आता, आपका डिप्रेशन वाला स्वभाव लग ही नहीं रहा, क्योंकि आपकी बातें आप अच्छे जवाब कर रहे हो। नकारात्मकता 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 सोचो ही ना, सबके अंदर है नकारात्मकता, किसके अंदर नहीं है, सबके अंदर नेगेटिविटी है। सोता हूं मैं रात को, सोता हूं सुबह सुबह जगता हूं तो मेरे में मतलब एनर्जी नहीं रहती है बिल्कुल भी, मतलब शरीर में एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। सोते हो तो उस टाइम आप दिन भर के काम गुरुजी के चरणों में समर्पित करो, बैठ के दो मिनट गुरु का नाम लेते हुए, और गुरु का नाम लेते और ये ना सोचो तो मैं तस्वीर के सामने बैठता हूँ बहन जी। कोई बात नहीं, आप ये मन में ना लाओ कि नींद नहीं आती, नहीं आने दो, कोई बात नहीं, आप सिर्फ सिर्फ और सिर्फ गुरु मंत्र ही जपो, बैठ के थोड़ी सी प्रार्थना करके गुरु चरणों में, और ये मत सोचो नींद नहीं आती, नेगेटिविटी नहीं हो दूर होती, अपने आप मंत्र जाप करते करते लेट जाओ, या अपना उनको सुनते जाओ जो आप चला के यूट्यूब पे, तो आपको ऐसी बढ़िया नींद आएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। आप नींद नहीं आने के विचार मत आने दो, अपने मन को ही समर्पित कर दो, मन को समर्पित करोगे तो सारी नेगेटिविटी और सब उनके चरणों में चली जाएंगी। और बहन जी कोई काम पे मन नहीं करता है बिल्कुल भी, कोई बात नहीं, काम की तो दूसरी बात है, पहले आप ठीक हो जाओ और नाम जप करो तो सारी चीजें होने लगेंगी। हाँ बहन जी मैं 10 साल से परेशान हूँ, 10-12 साल से। गुरु भाई कोई भी गुरु बहन गुरु भाई आपकी हेल्प नहीं कर, सिर्फ गुरुदेव करेंगे, कोई नहीं कर सकता। गुरु भाई जैसे कि हमें घर के अंदर कोई एक कमजोर आदमी होता है, एक ताकतवर होता है, तो हम कमजोर आदमी को हर आदमी उसको वो अपने अंडर में रखना चाहता है और उसके अंदर वो चलने लग जाता है, और जो उसके अंदर नहीं चलेगा वो अपने मन मर्जी से चलता है। आप उन नेगेटिविटी की बात क्यों मानते हो, आप मानो ना गुरुदेव की बात, उनसे निकलो, आप मंत्र जाप पर ज्यादा फोकस करो। जब आप गुरुदेव के मंत्र पर फोकस करने लेंगे, उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो वो अपना आप धीरे धीरे छोड़ के चली जाएंगी, उसका पता चल गया कि मेरे कहने में नहीं चल रहा है, मैंने देखते देखते दूर चली हो जाएंगी वो तो नेगेटिविटी, तो ऑटोमेटिक हो जाएंगी वो अपने सांसारिक जीवन में ही। देख लो गुरु मंत्र का ध्यान करो, ध्यान भी मत करो, गुरु मंत्र का जाप करो सारा दिन। अगर हमारे मंत्र भी नहीं चल रहा, गुरुदेव की आवाज, गुरुदेव के फोटो, गुरुदेव के स्मरण भी हमारे दिमाग में है, तो उससे भी वो घबराती है, ऐसा नहीं कि नहीं घबराती है, उनकी गुरुदेव की तो परछाई से भी डरती है वो। आप उनकी चारों तरफ अपने दिमाग में गुरुदेव को बसाओ, बस वो अपना आप खाली करके चली जाएंगी, जहाँ प्रकाश फैलने लग जाएगा अंधकार का रुकने का नाम ही नहीं, जब प्रकाश अपना वो आएगा तो अंधकार कैसे रुक सकता है। तो आप उसको धीरे धीरे गुरुदेव के को ही अपने जीवन में ढालने की कोशिश करो, शायद आपके सहायक बनेंगे, बहुत ज्यादा सहायक बनेंगे। और गुरुदेव का एक मंत्र जाप तो आपको करना ही पड़ेगा। सुनील गुरु बहन आप बोली, मंत्र जाप ही इसका इलाज है और कोई इलाज नहीं, सिर्फ और सिर्फ। हाँ बहन जी ये बात तो सही है, आप अपने मन पे काबू करो, नेगेटिविटी तो अपने आप जाएंगी, आपके भेजने से नहीं जाएंगी वो, आप गुरु मंत्र के देवता प्रभावित हो जाएंगे तो वो कैसे टिकेंगी बताओ। आप उनको विचारों में ना लाओ, विचारों में ना मत लाओ उनको, सिर्फ और सिर्फ गुरु मंत्र का विचार करो और जपते रहो मन ही मन में। आप 2-3 दिन करके देखो बहुत फर्क पड़ता है। आप नेगेटिविटी की तो बात कहो मत किसी को, हाँ। थोड़ी बहुत हो सभी के पास, शायद कच्छप भाटी ने भी हैंड रीज किया है। जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरु भाई बहनों को। हाँ मैं विक्रम गुरु भाई के लिए जो आप दोनों गुरु बहनों ने बताया वही बात जस्ट रिपीट ही कर रहा हूँ गुरु बहन।
कि भाई मैं भी आपकी सिचुएशन से गुजर चुका हूं और आप मैं काफी लंबे अरसे से मेरे को भी ये समस्या थी, तो मैं गुरु वैसे गुरु भाई ने बता दिया, मैं सेम चीज को यही एक मतलब सब मंत्र जाप वगैरह सभी गुरु भाई ने बताया, लेकिन मैंने क्या अडॉप्ट किया था मैं जस्ट वही आपको बता रहा हूँ गुरु भाई। जैसे इसमें ज्यादातर आपका हो सकता प्रॉब्लम थी, मेरी प्रॉब्लम थी स्लीप की प्रॉब्लम, राइट। तो मैंने क्या किया, नॉर्मली हम क्या होते हैं कि जैसे नींद आ रही है, करवटे बदलते, घड़ी देखता है इधर उधर, ऐसे होता रहे। तो गुरु भाई मैंने क्या किया, और मैं सोचता हूँ अगर आप ही वही करोगे तो आपको फायदा मिलेगा। मैं फिर क्या किया, जैसे जब भी नींद टूटी, रात के भला 2 बज रहे हो, 1 बजे, 3 बजे, मैं सिंपली अपने बिस्तर पे बैठ जाता था और गुरु भाई की, गुरुदेव की, जो उसमें मेरे पास तस्वीर नहीं थी, मोबाइल में तस्वीर देखे, उसमें कंटिन्यू मंत्र जाप करता था। और कभी 10 मिनट, आधा घंटा, 15-20 मिनट में गुरु भाई, मेरा तो ये था मंत्र करते करते मैं कब लुढ़क जाता बिस्तर, मेरे को ध्यान नहीं रहता था। तो ये करते करते धीरे धीरे मेरी ये समस्या, मतलब विथ इन 2-3 मंथ में मेरे को ये नहीं लगता कि मेरे को कोई नींद की प्रॉब्लम थी। तो नॉर्मली क्या होता है, कुछ चीज होती ना हमारे मतलब दिमाग में हावी हो जाती, मतलब जिससे बात करते मेरे को नींद आते, मेरा ये प्रॉब्लम, मेरे नेगेटिव, तो वो उसकी क्या होता गुरुवाज, वो अकुमुलेट हो जाती चीज। तो हमें जिस हम जो हमारी थिंकिंग, जैसे सबको छोड़ दो गुरु के देव के, मतलब गुरुदेव आप जानो आपको सलाह क्या हो रहा, नेगेटिव पॉजिटिव उसमें कुछ सोचो ही मत, सबको तो गुरुदेव को समर्पित कर दो। और जब भी आपको नींद 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 वो नहीं रहा, मेरे नींद ना आने दो, आप ये दिमाग में ये पॉजिटिव लो, अरे ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा, मेरी नींद नहीं, मेरे को मंत्र जाप करने का मेरे को टाइम मिलेगा। और आप जब भी आपकी नींद टूटती है, आप उसको आराम से सिंपल सोए सोए नहीं, सोए सोए नहीं, आप करवटे बदलते रहो, आप बिस्तर पे बैठ जाइए और कंटिन्यू सघन मंत्र जाप करिए, और आपका मतलब बहुत ही पीस ऑफ माइंड मिलेगी, और धीरे धीरे आप मंत्र करते होंगे करते आपको नींद हो जाएगी। ये मेरे साथ मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे साथ ही घटित हुआ, और मैं मतलब पहले भी कई बार बता तो चुका हूँ, अभी एज ऑफ नाउ पिछले 2-2.5 साल से मैं इस डिप्रेशन रिलेटेड कोई मेडिटेशन नहीं ले रहा हूँ, एकदम सुंतली बहुत ही गुरुदेव की कृपा से पीसफुली और पॉजिटिविटी लाइफ चल रही। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, मंजू गुरु बहन, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी सभी को। जय। आप सबने जो बोला बिल्कुल सही है, और मैं अपना जर्नी के बारे में बताना चाहूंगी कि हमें हमारा काम तो चलना है, और मैं अगर आज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर मैं किसी सिचुएशन में हूँ और अगर वो सिचुएशन 10 नंबर पे है, और अगर मैं गुरुदेव को याद कर रही हूँ, मंत्र जाप कर रही हूँ, तो मेरा यकीन है और होना भी चाहिए कि वो कम होती जाएगी, एक पे नहीं आ जाएगी, बंद नहीं हो जाएगी, पर हाँ होती कम होती रहेगी, ये पक्का फेथ के साथ ही चल रहा है। और शायद हमारे हमें ऐसा लग रहा है क्योंकि हमें और इसमें और विश्वास रखना है, हमें और विश्वास डालने की जरूरत है और करने की जरूरत है, कि जा नहीं रही है ये नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये है कि गुरुदेव कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, वो इतना था उसमें से कम जरूर हो रहा है, ये भी हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा। तो हमें इस विश्वास के साथ चलना है गुरु भाई, जैसे आपने बोला नींद आएगी, बाकी गुरु भाई या गुरु बहनों ने जैसे कहा बिल्कुल सही है, सबका अपना अपना जर्नी रहेगा, पर अगर विश्वास है और हमारा काम सिर्फ चलना है, और इस विश्वास के कि सामने फूल बिखरेंगे, चानन होगा, सब कुछ होगा, मेरा काम सिर्फ चलना है, गुरुदेव जी ने भी तो यही कहा है मेरा काम सिर्फ चलना है, तो हमें चलते रहना है और मंत्र जाप करते हुए चलना है, बाकी तो वो देख ही रहे हैं, जब उन्हें छाता खोलना होगा बारिश के लिए वो खोल देंगे, हमें ये नहीं देखना कि वो क्या कर रहे हैं। मेरे को विश्वास है कि अगर मुझे भीगना है ना, वो भी मेरी अच्छाई के लिए होगा, और अगर मुझे धूप लगेगी तो वो भी मेरी अच्छाई के लिए है। बट हाँ, मुझे आज अपने अंदर ये झांक कर जरूर कहना पड़ेगा कि मेरे पास कोई राइट नहीं है बोलने के लिए कि मेरे साथ कुछ हो नहीं रहा, हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, बस इतना ही सोच सकते हैं हम लोग, यही हमारे हाथ में। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु बहन, ये मंजू गुरु बहन का परिचय लो।
मंजू गुरु भाई आप कहाँ से बोल रहे, कब से जुड़े थोड़ा सा कल? मैं मुझे मेरे ऊपर गुरुदेव ने कृपा करी, तकरीबन 3 साल हो गए हैं, मैं दिल्ली से हूँ। और हाँ, मैंने गौरमा गुरु बहन के साथ इंग्लिश वाला जो एक चैनल में भी पार्टिसिपेट किया था, और बच्चों के लिए भी हमने एक बार शुरू किया था ये ध्यान का प्रोग्राम। और आजकल मैं कनाडा में हूँ 2-3 महीने के लिए, फिर वापस मैं दिल्ली चले जाऊंगी। जी, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और एक और चीज, मेरे को जो हिम्मत जिसने बढ़ाई रखी, और कि ऐसे ग्रुप में जुड़े रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ग्रुप ये सपोर्ट नहीं होगा तो हम चल ही नहीं सकते। तो हमें ये ग्रुप में जरूर, चाहे बीमार हो, चाहे कहीं जा रहे हो, पर आपस में गुरु भाई और बहनों की जो हमारी ये यात्रा है ना, इसके साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। इसी वजह से मैं कहूंगी मैं इस पाथ पे चल पाई, ये बहुत जरूरी है। जय गुरुदेव। जुड़ना कैसे हुआ गुरुदेव से, मालूम कैसे चला गुरुदेव के बारे में? मेरी गुरु बहन है गौरमा जी, उन्होंने मुझे बताया था इसके बारे में। और आप मानिएगा नहीं, मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगा समझने, मतलब गुरुदेव की कृपा ही होनी चाहिए उस टाइम भी, कि आपको ये बात समझ आ जाए और आप उसके अंदर बस तल्लीन हो जाए बस। और महेश दत्ता जी ने मुझे इस ग्रुप के बारे में बताया था, क्योंकि मैं मिस कर रही थी कि ग्रुप में नहीं हूँ, तो फिर उन्होंने मुझे यहाँ के बारे में बताया, तो मैं आ पाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शांति गुरु बहन, जय गुरुदेव। शांति गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी भाइयों को। जय बताना चाह रही थी थोड़ा सा, मैं भैया कह रहे ध्यान नहीं लगता, मैंने कहीं किसी पास पंजाब में ने मंत्र भेजा गुरुदेव का, कह रहा कि ठीक है मैं मंत्र जाप करूंगी, उसने तो नहीं करा। जब उनके बिल्ली बीमार थी, चल नहीं पाती थी, बिल्कुल सूख रही थी, जैसे उसमें प्राण नहीं हो इस तरह से, तो उन्होंने बिल्ली को मंत्र जाप सुनाया, क्या ऐसा तो क्या था यही ठीक हो जाए। उन्होंने बिल्ली को सुनाया तो उसके बाद उनकी बिल्ली ऐसे हो गई, जो पहले वाली अच्छी खासी थी ना, वो उसके सामने कुछ भी नहीं, इतनी उछल कूद भाग दौड़ इतना वो कर रही है। तो हम तो इंसान है, सब कुछ कर सकते हैं। गुरुदेव ने हर जीव आत्मा पर, चाहे कोई सा भी शरीर धारण कर रखा हो, कैसा भी जीव तो है ना, जीवात्मा तो है, वो आत्मा तो है, वो शरीर धारण कर रखे, सब पे कृपा कर रहे हैं गुरुदेव, सब पे, हर जीव आत्मा के ऊपर। फोन आया मेरे तो बिल्ली ठीक हो गई, मैं बहुत अच्छे में बिल्ली का उदाहरण से देखो आप, उसकी बिल्ली ठीक हो गई तो आप इतना तो देखो मंत्र सुनने से इतना कुछ हो गया। तो हम तो इंसान ने मंत्र जाप कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास तो गुरुदेव ने इतना कुछ दे रखा, जुबान दे रखी, कान सुनने के लिए दे रखे, सब कुछ, आंखों में फोटो देखने के लिए आंखें दे रखी है, हम तो सब कुछ कर सकते हैं। यही बताना चाह रही थी, भैया आप टेंशन ना लो, गुरुदेव जी पे छोड़ दो सब कुछ। और आपको यकीन नहीं आओ, मैंने जैसे अपने छोटा वो नहीं होता फोटो, जैसे अपन दिखाते हैं ध्यान करवाने के लिए, तो वो मैंने एक आई कार्ड मेरा बना रखा, जो पूरे दिन भर तो मुझे गुरुदेव के फोटो में लगा रखे, मेरे जहाँ जहाँ मुझे दिखाई देते हैं। और शाम को वो मैंने मेरा आई कार्ड में पहन के सोती, मैं कम से कम जब उठती हूँ ध्यान मेरे इस पे इन पे जाता, फोटो पे जाता, उठती हूँ बैठती हूँ कुछ भी हो, मेरे हर समय में ध्यान उन पे रखती हूँ, मैंने वो अपना आई कार्ड बना रखा, मैं सोती हूँ तो अपना वो पहन के सोती हूँ, चाहे मुझे कुछ भी कोई कहे कुछ ना कहे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, बस इतना ही बताना चाह रहे हो भैया, टेंशन मतलब सब ठीक हो जाएगा, आप गुरु मंत्र पर ध्यान दो, मंत्र जाप करो जितना भी हो उसको, बस इतना ही बताना चाह रही थी। जय गुरुदेव। शांति गुरु बहन ने भी हैंड रेज किया है, जय गुरुदेव गुरु बहन। हाँ जी, जय गुरुदेव। हाँ, मैं भी विक्रम भाई को ये बताना चाह रही हूँ कि प्रार्थना करें गुरुदेव से एक बार, मतलब मेरी लड़की के
जॉन्डिस हो गया था, बहुत वीकनेस थी। तो यहाँ बुलिया जी थे उस टाइम के सेंटर चलता था, तो उनको हमने कहा कि जाए नहीं रही, तो वो बोले कि 10-15 मिनट फिक्स रोज प्रार्थना करो, दिन में 2-3 बार सिटिंग लगाओ, 10 मिनट तक प्रार्थना ही करो केवल। तो एक बार ये थोड़ा चेंज भी हो जाएगा इनके लिए, 10-15 मिनट कि मेरा गुरुदेव मेरा डिप्रेशन ठीक करो, मेरा नाम जप चलाओ, ऐसे 10-10 मिनट 15-15 मिनट के लिए प्रार्थना करें 2-3 बार दिन के अंदर। जैसे बड़ा मंत्र जप करते हैं ना, देखिए 1-2 महीने में जरूर फर्क पड़ेगा। और दूसरा बता रही हूँ कि मैं पहले गुरुदेव का जोधपुर से प्रचार के लिए ना वो निकलते थे पर्चे, आपको ध्यान हो तो उसमें 3-फोल्ड होता था, मतलब 3-4 पन्ने होते थे एक साथ, 2 या 3 होते थे। तो उसमें प्रार्थना के बारे में एक बहुत अच्छे कोट था, मुझे भी याद आ रहा है वो, उसमें लिखा हुआ था कि जब हम गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं ना कोई चीज के लिए, तो क्योंकि कुंडलनी शक्ति वो गुरुदेव के अंडर में काम करती है, तो जैसे ही हम किसी भी समस्या के लिए गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे, उसी वक्त वो कुंडलनी शक्ति उसका उस प्रार्थना को पूरा करने के लिए वो अपना काम करने लग जाती है उस व्यक्ति के लिए। ये उसमें लिखा हुआ था, प्रचार का एक पन्ना था, आपको ध्यान हो तो, पहले आया करता था, आजकल नहीं आता, वो 2-3 उसमें पन्ने हुआ करते थे एक साथ, फोल्डेड पेपर होता था। तो जो भी हम प्रार्थना करेंगे तो वो मेरे हमेशा याद रहता है कि कुंडलनी शक्ति उसी वक्त उस प्रार्थना को पूरा करने के लिए चालू हो जाती है। आप गुरुदेव से प्रार्थना करो, कुंडलनी शक्ति का काम होता है वो अपने आप उस प्रार्थना को पूरा करने के लिए वो काम करने लग जाएगी। तो एक बार गुरु भाई आप ये भी प्रयोग करके देखिए कि दिन में 2-3 बार 15-15 उनकी सिटिंग लगाइए और उनसे गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए कि गुरुदेव मेरा मंत्र जप कराइए, मेरा डिप्रेशन ठीक कीजिए और जो भी समस्या आपकी हो, ये मैं कहना चाह रही थी। हाँ जी बहन जी, 2-2 घंटे बैठता हूँ मैं तस्वीर के सामने, 2 घंटे बैठता हूँ डेली कम से कम, प्रार्थना करने के लिए या जप करने के लिए। हाँ, प्रार्थना भी करता हूँ, जब भी करता हूँ। आप जब प्रार्थना करें ना, देखो गुरुदेव के एक स्पीच में एक बात और आती है, एक दिन मैं सुन रही थी उसमें आया था कि विश्वास तुमको करना पड़ेगा, तुम्हारे लिए कोई दूसरा व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा। हाँ, तो आप ये गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे हैं तो कुंडलनी माँ है वो आपकी प्रार्थना को पूरा करने के लिए आपका पूरा सहयोग कर रही है, उनको पूरा करने का पूरा प्रयत्न कर रही है वो, इस बात का विश्वास कीजिए। तो गुरुदेव ने भी बोला है कि प्रार्थना मेरे से आप प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना का बहुत बड़ा असर होता है। तो आप उस टाइम ये विश्वास भी मन में लीजिए कि ये जो मैं गुरुदेव से प्रार्थना कर रहा हूँ तो माँ कुंडलनी शक्ति मेरी प्रार्थना को पूरा करने का पूरा प्रयत्न कर रही है, प्रयत्न नहीं कर रही उसको पूरा करेंगी, ये आप विश्वास भी बन में रहिए। ठीक है, जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। शायद मंच का भी समय हो गया। हिंदू भाई साहब जय गुरुदेव, और सेशन को गुरुदेव के सिर चरणों में समर्पित कीजिए। जय गुरुदेव गुरु भाई। विक्रम जी, गुरु भाई को मैं बताना चाहता हूँ कि सिर्फ गुरुदेव से करुण प्रार्थना कीजिए कि मुझ पे करुणा बसाओ। प्रार्थना का बहुत महत्व रहता है, तो मुझ पे करुणा बसाओ। तो इसके तो मैं तो तीन ही चीज बताया हूँ, टोटल अनकंडीशन सरेंडर टू द गुरुदेव, 24 मंत्र जाप एंड 2 टाइम मेडिटेशन। आगे का ड्यूटी गुरुदेव की है, तो उसके सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाता है इसमें, और सारा हो रहा है सभी का। जय गुरुदेव सभी को, गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार जय हो, जय दादा गुरुदेव, जय कल की, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव।